हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने एक कटोरी ले लिया चना का दाल, एक मग पानी इसमें डाल दिए हैं। 2 घंटा के लिए इसे फूलने के लिए छोड़ दें। अभी तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 4 प्याज है, 2 टमाटर है, 7-8 हरी मिर्च है, 1 ही तरह का टुकड़ा है और 2 से 3 कली लहसुन है। इन सभी चीज़ों को हम कट कर लेंगे। तो हम एक साथ सारे चीज़ों को कट कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे अलग अलग कट कर सकते हैं। तो हमने सारे चीज़ों को कटर में डाल दिया है, अब इसे हम कट कर लेंगे। बहुत ही बारीकी से इसमें कट हो जाता है और बहुत ही इजीली भी हो जाता है। तो हमने सारे मसाले को कट कर लिया है। इधर चना का दाल देखिए, ये फूल चुका है। तो अब इसे बनाते हैं। कुकर में हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को ब्राउन होने के बाद कट किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन जो भी हमने कट किया था सारे चीज़ इसमें डाल देंगे और इसे हम इस तरह से भून लेंगे। हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो देखिए, हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसे इस तरह से भून लिया है। तो अब इसमें हम मसाला डालते हैं। 1 चम्मच नमक हो गया, नमक स्वाद के अनुसार डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें कट करके टमाटर डाल देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें इसे भूनना है। हल्दी थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा 1/2 चम्मच हल्दी और ऐड कर दिया है। कुल मिला के मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी ऐड किया है। तो हम अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और मसाला को हम अच्छे से पकने देंगे। देखिए, ये मसाला अच्छे से पक चुका है। मैंने इसे मसाला को अच्छे से पका लिया है। इसके हल्का प्रेशर डाल के ये मसाला अच्छा से तैयार कर लिया है। अब इसमें फूला हुआ चना दाल इसमें डाल देंगे और इसे लगभग 1 मिनट तक हमें भून लेंगे। तो हम इसे इस तरह से मिक्स कर दिए हैं और बीच बीच में हमें चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक इसे हमें भूनना है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो हमें इसमें 1/2 मग अभी पानी ऐड किए हैं, इसमें और पानी लगेगा। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। अब इसमें हम 1/2 मग पानी और डालेंगे। तो मैंने 1 मग पानी इसमें ऐड कर दिया है और मसाला को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं धनिया कट करके। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 से 3 सीटी आने देंगे। तो 2 से 3 सीटी के बाद हम इसे चेक करते हैं। देखिए, ये बनके हो गया है तैयार। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आपके पास सब्जी ना हो तो आप फटाफट तड़का और रोटी बना लें और खाएं। यकीन मानिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और सुपाच्य भी है, साथ में हेल्दी भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।